तो नॉट एआई का जो क्लेम है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपने अपने जो टोकन है वो यहाँ पे क्लेम कर लेने हैं। देखो आज जो आपको यहाँ पे टोकन क्लेम करने के लिए मिलेंगे ये ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लेम का ऑप्शन। तो आपने अपने जो टोकन होंगे वो यहाँ पे क्लेम कर लेने हैं, लेकिन टोकन को क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे टोन में थोड़ी सी गैस जो है वो यहाँ पे चाहिए होगी, तब जाके आप अपने जो टोकन होंगे वो यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। कैसे आपने टोकन क्लेम करने हैं और उसके बाद कैसे आपने इन टोकन को स्वैप करना है, तो सबसे पहले देखो जैसे आप इस बोट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे जो क्लेम का ऑप्शन होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपने क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लेम के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लेम, तो आपने क्लेम के ऊपर टैप करना है। क्लेम के ऊपर टैप करने के बाद थोड़ा सा आपने जो यहाँ पे वेट करना है, आपके टोन वॉलेट में एक नोटिफिकेशन जाएगा, और उसके बाद देखो टोकन को क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे टोन में फी जो है वो यहाँ पे चाहिए होगी। तो ये आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 0.05 टोन जो है वो यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे आपने स्लाइड करना है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से स्लाइड करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, और उसके बाद मैं अपना जो यहाँ पे पासपोर्ट है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। पासपोर्ट लगाने के बाद इसी तरीके से ये आपका यहाँ पे डन हो जाएगा, और उसके बाद आपने मजीद थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद देखो दोबारा से आपने अपने टोन वॉलेट को यहाँ पे ओपन करना होगा, तो आपने जो यहाँ पे ओपन वॉलेट के ऊपर टैप करना है। जब आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे टैप करोगे तो उसके बाद देखो इसी तरीके से दोबारा से आपके वॉलेट में एक नोटिफिकेशन जाएगा, और अब आपको यहाँ पे मजीद थोड़ी सी यहाँ पे जो टोन में फी जो है वो यहाँ पे चाहिए होगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 टोन जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे मजीद जो है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपके जो टोकन होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो है यहाँ पे मैं दोबारा से इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे स्लाइड करता हूँ। नीचे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो आपकी यहाँ पे फी जाएगी वो आपको यहाँ पे रिफंड जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो अब जो है यहाँ पे मैं दोबारा से इसको यहाँ पे स्लाइड करता हूँ, और मैं जो यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट है वो यहाँ पे लगाता हूँ, और उसके बाद देखो इसी तरीके से जब आप इसको कन्फर्म करोगे तो आपके जो टोकन होंगे वो यहाँ पे क्लेम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये जो मेरे टोकन है वो यहाँ पे क्लेम हो चुके हैं। मैं जो यहाँ पे ओके के ऊपर टैप करता हूँ, ओके के ऊपर टैप करने के बाद इसी तरीके से आपने अपने जो टोकन होंगे वो यहाँ पे क्लेम कर लेने हैं। और उसके बाद मैं जो यहाँ पे अपने टोन कीपर वॉलेट में जाता हूँ, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये हमारे जो टोकन है वो यहाँ पे क्लेम हो चुके हैं। तो उसके बाद देखो आपने अपने जो टोकन होंगे इनको आपने कैसे यहाँ पे स्वैप करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये जो आपको यहाँ पे टोकन मिले हैं ये टोन ब्लॉकचेन पे मिले हैं, और जो टोकन लिस्ट हुआ एक्सचेंजेस पे वो जो है यहाँ पे BIP20 नेटवर्क पे है। अगर आप अपने जो टोकन है किसी भी एक्सचेंज में जाकर डिपॉजिट करोगे तो आपके जो सारे टोकन होंगे वो यहाँ पे ज़ाया हो जाएंगे। आपने अपने जो टोकन होंगे वो यहाँ पे टोन कीपर वॉलेट में ही स्वैप कर लेने हैं। अगर आप चाहो तो इनको भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनको स्वैप भी कर सकते हो। आपने देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने जो यहाँ पे इसके ऊपर टैप करना है। जैसे टैप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्वैप का ऑप्शन, तो आपने स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, और उसके बाद देखो ऊपर आपने जो यहाँ पे अपने जो टोकन होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं, इसके ऊपर टैप करना। जब आप टोन के ऊपर टैप करोगे उसके बाद जो है आपने जो यहाँ पे नॉट एआई के ऊपर टैप करना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे उसके बाद नीचे आपने ये सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे किस में अपने जो टोकन है वो स्वैप करना चाहते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टोन जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे USDT में भी अपने जो टोकन है वो यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं USDT को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद ऊपर आपने जो यहाँ पे मैक्स के ऊपर टैप करना है। जब आप यहाँ पे मैक्स के ऊपर टैप करोगे जितने भी आपके यहाँ पे USDT बनेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे टोन में थोड़ी सी यहाँ पे मजीद जो फी है वो यहाँ पे चाहिए होगी। तो इसी तरीके से अगर आप जो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर टैप करोगे और आप जो है यहाँ पे इसी तरीके से अपने जो टोकन है वो यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इनको यहाँ पे स्वैप नहीं करूंगा, अभी मैं इनको होल्ड करूंगा, इसकी जो प्राइस है मजीद ऊपर जाएगी तब जाके मैं इनको यहाँ पे सेल करूंगा। बाकी इस तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने जो टोकन है वो यहाँ पे स्वैप कर सकते हो।